फ्रेंड्स, मैं हूँ रेनू और आज आपका गूगल किचन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कलरफुल गुजिया केक, जो बहुत ही यम्मी और डिलीशियस है। बिल्कुल गुजिया फ्लेवर, उससे भी बहुत ही टेस्टी है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए और ऑल पे करके क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते बनाना। हमने लिया है एक बाउल, उसमें हम डाल रहे हैं हाफ कप मिल्क और डालेंगे उसमें 3 टेबलस्पून ऑयल की जगह आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। हमने इसमें ऑयल का यूज़ किया है। अब हम डालेंगे इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अब हम इसमें ले रहे हैं मैदा, हमने लिया है ये मैदा हाफ कप से कम लिया है, और इसमें डालेंगे हाफ कप शुगर पाउडर, 2 टेबलस्पून ले रहे हैं मिल्क पाउडर, और इसमें डालेंगे हम बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून, और 1/4 से भी कम डाल रहे हैं बेकिंग सोडा। ये 1/4 से कम है, आप 2 पिंच के बराबर डाल सकते हैं इसमें बेकिंग सोडा। अब हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान लेंगे। ये हमने छान लिया और अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और अगर आपको लगे कि थोड़ा सा बैटर थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और बढ़ा सकते हैं, मिला सकते हैं। हम इसमें ये देखिए बैटर तैयार हो गया है, लेकिन हमें अभी थिक लग रहा है, इसलिए हम इसमें 2 टेबलस्पून डाल रहे हैं मिल्क और अच्छे से कर लेंगे मिक्स। हमने इसे मिक्स कर दिया। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ सा बैटर बनकर तैयार होना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ बैटर बनकर तैयार हो गया। अब हम इसमें डाल रहे हैं वनीला एसेंस। वनीला एसेंस इसमें 1/2 टीस्पून डाल रहे हैं। डालने के बाद अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अब हम इसमें डालेंगे वाइट विनीगर। आप इसकी जगह नींबू का रस का यूज़ कर सकते हैं 1/2 टीस्पून। हमने इसमें विनीगर का यूज़ किया है। हमने लिए ये सारे कलर्स, आपको जो भी कलर पसंद हो आप वो कलर ले सकते हैं। ये हमने अलग अलग कटोरियों में निकाल लिया है सारे बैटर को, और कलर को कर देते हैं मिक्स। कलर को अच्छे से प्रॉपर मिक्स कीजिएगा, ताकि जब भी आप केक बनाएं तो अच्छे से कलर केक में दिखाई दे। ये देखिए हमने पर्पल कलर को अच्छे से कर लिया मिक्स। वैसे हम सारे कलर को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने सारे कलर को मिक्स कर लिया है। अब हम बैटर को अपने केक टिन में डालेंगे। सारे बैटर को डालेंगे। हमने ये 6 इंच का लिया है केक टिन, उसमें अच्छे से बटर लगाकर और हमने उसे ग्रीस कर लिया है और बटर पेपर लगा दिया है। ये देखिए सारे कलर के हमने जो बैटर तैयार किए थे वो सारे डाल रहे हैं। बिल्कुल होली स्पेशल है ये, और फ्लेवर तो इसमें इतने अच्छे आने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब ये देखिए हमने टूथपिक्स लिया है और इसे अच्छे से राउंड राउंड घुमा देंगे, ताकि सारे कलर एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए और केक का कलर बहुत अच्छा है। ये देखिए हमने इसे अच्छे से कर लिया है मिक्स। फ्रेंड्स, जब आप कलर मिक्स करेंगे आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। बिल्कुल होली स्पेशल है ये केक। हमने ये कढ़ाई उसमें डाल दिया, हमने नमक उसके ऊपर रख दिया है स्टैंड। हमने कढ़ाई को 5 मिनट प्रीहीट किया हुआ है। अब हम इसमें डाल देंगे केक टिन, और 20 से 25 मिनट लगेंगे बेक होने के लिए। आप बीच में एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, ये देखिए हो गया तैयार। अब हम टूथपिक से इसे कर लेंगे चेक। ये देखिए, अगर टूथपिक आपका क्लीन निकलता है तो समझिए केक बिल्कुल अच्छे से बेक हो गया है। आप 2-3 जगह ज़रूर चेक कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, साइड से बेक हो जाता है और बीच में नहीं होता है, इसलिए आप 2-3 जगह ज़रूर चेक कीजिए। ये देखिए हमने 3 स्लाइस कर लिए हैं इसके केक के। अब हम इसकी आइसिंग स्टार्ट करते हैं। हमने लिया है घर का बना हुआ मावा। इसकी रेसिपी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, इंस्टेंट मावा कैसे बनाकर तैयार करना है। इसमें हम डाल रहे हैं 3 चम्मच पाउडर शुगर, और ये हमने लिया है पिस्ता, काजू, इलायची मिक्स करके। हमने इसमें नारियल भी ऐड किया है। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो वो ड्राई फ्रूट आप इसे दरदरा सा पीस लीजिए। अब हम इस मावे में इसे मिक्स कर देंगे, बिल्कुल जैसे हम गुजिया बनाने के लिए जो फिलिंग तैयार करते हैं बिल्कुल वैसी फिलिंग तैयार करनी है। अब हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। फ्रेंड्स, हमने रख दिया है केक की 1 लेयर, और उसके ऊपर हम शुगर सिरप से अच्छे से कर लेंगे सोक। ये मैं पाइनएप्पल फ्लेवर का शुगर सिरप यूज़ कर रही हूँ, पाइनएप्पल क्रश डाला है मैंने उसमें। अब हमने लिया है व्हिपिंग क्रीम, और उसमें जो हमने फिलिंग तैयार की है, आपको जितना पसंद हो टेस्ट आप उस हिसाब से 4-5 चम्मच इसमें ऐड कर दीजिए। मैं इसमें 5 से 6 चम्मच ऐड करूँगी, और ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, और इसका टेस्ट तो इतना माइंड ब्लोइंग है। आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई कीजिए, आप भी कहेंगे क्या केक है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बिल्कुल मावा फ्लेवर का केक है, और गुजिया का भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा।
फ्रेंड्स आप ये इस होली ज़रूर तैयार कीजिएगा। अगर आपको ऐसे भी खाने का मन है तो भी आप तैयार कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। इसकी फीलिंग आप ऐसे ही खा लेंगे, इतनी अच्छी लगती है ये फीलिंग। हम इसे नाइफ से अच्छे से फैला लेंगे। अब इसके ऊपर रख ले रहे हैं अपना दूसरा लेयर और अच्छे से सेट कर लेंगे। और उसके बाद हम इसे वापस शुगर सिरप से सोक करेंगे पाइनएप्पल पे। आप इसकी जगह सादा नॉर्मल शुगर सिरप भी बनाकर इसे लगा सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा उससे भी। अब हम इसके ऊपर सारी फिलिंग रख देंगे। इसमें फिलिंग ज़्यादा रखिएगा तभी आपको ये टेस्ट पता चलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। मैंने इसमें अलग से कोई फ्लेवर या एसेंस का यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल नॉर्मल मावा और गुजिया फ्लेवर ही आएगा इसमें। ये देखिए हमने अपना तीनों लेयर सेट कर लिया है और इसके ऊपर वापस लगा रहे हैं शुगर सिरप। और हम व्हिपिंग क्रीम से किनारे किनारे अच्छे से कवर कर लेते हैं। फ्रेंड्स आप जब भी व्हिपिंग क्रीम से केक को कवर करिए तो पहले साइड से ही कवर कीजिए, उसके बाद हम ऊपर की लेयर तैयार करेंगे। ऊपर वाली व्हिप क्रीम अच्छे से लगाएंगे। फ्रेंड्स ये देखिए हमने साइड से कर लिया है, अब ऊपर लगा देते हैं व्हिप क्रीम और अच्छे से हमें केक को कवर कर लेना है। और थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाएंगे, बहुत कम थोड़ा थोड़ा नहीं लगाएंगे, ताकि हमारी डिज़ाइन जब मैं बनाऊँ तो इसके ऊपर पूरी डिज़ाइन अच्छे से दिखनी चाहिए। फ्रेंड्स ये देखिए हमने इसे कवर कर लिया है बहुत अच्छे से और किनारे से क्लीन भी कर लिया है। ये हमने लिया है कॉम्ब, ऐसे आपको मार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। ये देखिए अगर आपके पास नहीं है तो आप फोक से भी इसे बना सकते हैं। ये देखिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ जिग-जैग करना है, बहुत ही अच्छा मार्बल इफेक्ट आता है, बहुत ही अच्छा केक के ऊपर डिज़ाइन बन जाती है और बहुत ही सिंपल है, ये हर कोई बना सकता है, इसमें कोई ऐसी खास टेक्निक नहीं है। ये देखिए हो गया, कितना प्यारा लग रहा है, आप भी देखिए इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी आई है। अब सेम यही डिज़ाइन हम ऊपर भी ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखिए कुछ नहीं करना, सिर्फ जिग-जैग कर देना है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स ये देखिए, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। जो केक बनाना सीखना चाहते हो उसके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है। फ्रेंड्स ये देखिए हमने ये कलर ले लिए हैं चारों कलर, अब हम इसकी ऊपर की डेकोरेशन कर लेंगे, वो भी बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया है। ये देखिए आपको सिर्फ कलर लेना है और हाथों की हेल्प से उसे सिर्फ छिड़क देना है ऐसे ऊपर। ये देखिए कितनी अच्छी डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आपके पास कुछ भी नहीं, ये सारे कलर फ्रेंड्स मैंने फूड कलर यूज़ किए हैं, आपको मार्केट में इजीली फूड कलर अवेलेबल है, मिल जाएंगे। ये देखिए हमने ऐसे ये हमने पर्पल कलर लिया है, इससे भी हम अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बिना किसी नोज़ल, बिना किसी पाइपिंग बैग, और इतना अच्छा केक बनकर हो जाएगा तैयार। फ्रेंड्स आप ये ज़रूर तैयार कीजिए, बिल्कुल कलरफुल है, होली स्पेशल है, बहुत अच्छा लगेगा ये मावा गुजिया केक। इसे मावा केक भी कह सकते हैं, गुजिया केक भी कह सकते हैं, होली केक भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी और यम्मी केक है। ये देखिए हमने गुजिया बनाकर रखी थी और छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया हुआ था, और इसके ऊपर लगा देते हैं ताकि बिल्कुल लगे गुजिया केक। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कलर देखते ही मुँह में पानी आ जाए, इतना अच्छा लग रहा है ये। और खाने के बाद इसका टेस्ट तो और भी अच्छा है, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स ये देखिए, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, उन्हें भी केक बहुत पसंद आएगा। ये देखिए ऐसी इजी और हेल्दी कुकिंग देखने के लिए गोकुल किचन देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू।